तो रेसलिंग मीडिया फैमिली इस साल रेसलमेनिया के लिए अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का मैच WWE ने कंफर्म कर दिया है और रेसलमेनिया के लिए स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर का भी मैच WWE ने अनाउंस कर दिया है। और इसके साथ जो अभी WWE का नेक्स्ट पेपरव्यू है यानी कि एलिमिनेशन चेंबर, उसके लिए दोनों एलिमिनेशन चेंबर मैचेस WWE ने अनाउंस कर दिए हैं। और आज के मंडे नाइट रॉ में क्या क्या हुआ इस बारे में भी आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज की मंडे नाइट रॉ में रॉ रंबल 2023 की विनर कॉडी रोड्स ने ये बोला कि रोमन रेंस बिगेस्ट सुपरस्टार है प्लेनेट पर, लेकिन आज से 62 दिनों के बाद जब रेसलमेनिया होगा उसके बाद भी भले ही रोमन दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हो, लेकिन वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रेसलमेनिया के बाद नहीं रहने वाले। और कॉडी रोड्स ने चैलेंज कर दिया रोमन रेंस को रेसलमेनिया 40 में। और इसलिए अब WWE ने भी अनाउंस कर दिया है कि इस साल रेसलमेनिया में द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस उनके अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप द अमेरिकन नाइटमेयर और रॉयल रंबल 2023 के विनर कॉडी रोड से डिफेंड करेंगे। वैसे आप लोग इस मैच में किसे सपोर्ट कर रहे हो कमेंट करके सबसे शेयर करें। तो फैंस को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि रिया रिपली मंडे नाइट रॉ के सुपरस्टार हैं और रिया रिपली और शार्लेट फ्लेयर का मैच पहले भी रेसलमेनिया में हो चुका है, इसलिए इस साल रिया रिपली बियांका ब्लेयर को चैलेंज करेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आज के मंडे नाइट रॉ में रिया रिपली ने ये बोला कि जब आज से 3 साल पहले वो NXT चैंपियन थी और रॉयल रंबल जीतने के बाद शार्लेट फ्लेयर ने रिया रिपली को फेस किया था रेसलमेनिया में, तब उस टाइम शार्लेट फ्लेयर जीत गई थी और उस टाइम रिया रिपली को पता चला कि शार्लेट उनसे ज्यादा बेटर हैं। लेकिन इस साल ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो शार्लेट को हराकर बेस्ट सुपरस्टार बनने वाली हैं और इसलिए रिया रिपली ने शार्लेट फ्लेयर को चैलेंज कर दिया है। और WWE ने भी कंफर्म कर दिया कि अब रेसलमेनिया में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन शार्लेट फ्लेयर उनका टाइटल डिफेंड करेंगी रिया रिपली से। तो जैसा आप लोग जान ही रहे हो कि WWE का नेक्स्ट पेपरव्यू है एलिमिनेशन चेंबर, और हर साल की तरह इस साल भी एक मेल एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा और एक फीमेल एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा। और इस साल का मेल एलिमिनेशन चेंबर मैच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए हो रहा है, जिसमें ऑस्टिन थ्योरी उनका यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल 5 और सुपरस्टार से डिफेंड करने वाले हैं। तो आज के मंडे नाइट रॉ में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, जॉनी गार्गनो ने बैरन कॉर्बिन को हराकर और ब्रॉन्सन रीड ने डॉल्फ ज़िगलर को हराकर इस साल एलिमिनेशन चेंबर में उनकी जगह बना ली है। और अभी 2 सुपरस्टार्स WWE और अनाउंस करेंगे जो इस एलिमिनेशन चेंबर के अंदर फाइट करने वाले हैं। और इस साल जो वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच होगा वो ये डिसाइड करने के लिए होगा कि रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर को रेसलमेनिया में कौन चैलेंज करेंगी। और इस मैच के लिए अभी जो फिलहाल 4 सुपरस्टार्स के नाम अनाउंस हुए हैं वो है आस्का, निकी क्रॉस, लिव मॉर्गन और रकेल रॉड्रिगस। तो चलिए देखते हैं कि इस साल मेंस और वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच को और कौन से 2 सुपरस्टार्स ज्वाइन करते हैं। और आज के मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में जब कॉडी रोड्स फिन बैलर से सिंगल्स मैच में फाइट कर रहे थे, तब एज और बेथ फिनिक्स ने आकर डेमियन प्रीस्ट, डोमिनिक मिस्टेरियो और रिया रिपली पे अटैक कर दिया और रिंग के अंदर कॉडी रोड्स कुडे ग्रास से बचकर उनका 3 क्रॉस रोड्स लगाया फिन बैलर को। और कॉडी रोड्स रिटर्न आने के बाद अभी तक अनडिफीटेड हैं WWE में। तो अगर आप लोग रोमन के फैन हो तो आप कमेंट करके ये बता सकते हो कि क्या रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस कॉडी रोड का अनडिफीटेड स्ट्रिक तोड़ेंगे या नहीं। या फिर अगर आप कॉडी रोड्स के फैन हो तो कमेंट करके ये बताएं कि इस साल रेसलमेनिया के बाद क्या कॉडी रोड्स वो सुपरस्टार बनेंगे जो फाइनली रोमन को डिथ्रोन करेंगे।